ही नहीं राजस्थान को, तो क्या बताएं आप बताओ। अंतरिम बजट था, अंतरिम बजट में राजस्थान को कोई सौगात नहीं, किसी वर्ग को कोई सौगात नहीं। ये तो दो बार 25-25 एमपी जीत के चले गए और कुछ ला नहीं पाए। और जो हमारी ईआरसीपी थी जिसमें 3510 एमसीएम पानी मिलना था, उसको भी ये केपीसी में संशोधित करा के केपीसी के तहत 2400 एमसीएम पानी ला रहे हैं। तो जो चीज़ पहले इन्होंने तय की थी वही ये नहीं ला पा रहे हैं, तो नई चीज़ क्या लाएंगे? पेट्रोल डीजल पे भी समीक्षा करने की बात की। कोई 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 पैसा नहीं घटाएंगे। महंगाई कम करना इनका उद्देश्य नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार देना इनका उद्देश्य नहीं है, बिजली पानी सड़क चिकित्सा कैसे ठीक हो ये इनका उद्देश्य नहीं है। इनको तो धर्म के नाम पर लड़ाना है और ईडी इनकम टैक्स सीबीआई का दुरुपयोग करना है, लोगों को डराना है, धमकाना है और परेशान करना और सत्ता पे बरकरार। तो केंद्र सरकार का आज अंतरिम बजट पेश हो चुका है। चुनाव के पहले पेश हुए इस बजट में विकसित भारत की संकल्पना से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। वहीं बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। 2047 के भारत की नींव रखने वाले इस बजट पर आमजन क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश की न्यूज 18 की जोधपुर टीम ने। 2024 से पहले केंद्र सरकार का अंतरिम बजट, इस बजट में काफी कुछ उम्मीदें थी और क्या कुछ उम्मीदें खरी हुई है ये जानने के लिए हम हैं जोधपुर में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोगों के साथ में, और क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर के ये जानने का प्रयास करते हैं। बजट जो आया है चुनाव से पहले का है, क्या कहेंगे? ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास दिखाता है कि किस तरीके से पूर्ण विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। लेकिन ये चुनावी बजट नहीं है, ये 2047 का विजन दिखा रहा है और इसमें बजट में हर वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है। और जब भारत का जो विकास विकसित देशों की उसको राष्ट्र की श्रेणी में लाना है इसके लेके रखा गया है पूरा। 2047 विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाएगा और ये बजट उसमें मददगार साबित होगा, ऐसी बात आई है। मारवाड़ी में कहावत है कि माँ तो है ही को नहीं, मासी ने हिला मारा है। आप 2024 की बात करें, 2047 की नहीं, ये एक्सपेक्टेशंस हमारी थी। पिछले 5 सालों से काफ़ी गहरी एक्सपेक्टेशंस हमारी, हमारे शहर के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है जिनसे थी। आप थोड़ा सी गौर करिए कि पेरिनियल रिवर्स जो जितनी भी देश में है और हमारा पश्चिमी राजस्थान और खास करके जोधपुर सीजनल रिवर्स से भरा पड़ा है, सूखड़ी जोजरी लूणी सारी नदियां है। क्या जल शक्ति मंत्री एक पेरिनियल रिवर को इनसे बजट के संदर्भ में क्या कुछ कहेंगे? मैं वही कह रहा हूं कि इस बजट में हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि पेरिनियल रिवर्स को सीजनल रिवर्स से जोड़कर वो पश्चिमी राजस्थान को लहला सकते थे, परंतु ऐसे कोई भी प्रयास इस बजट में नहीं दिखे। अलग अलग मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई है, विकास के लेकर के बात की गई है, चुनावी घोषणाओं से जोड़कर लोग इसे